नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम फुलवारी शरीफ के सुधा डेयरी में मौजूद है और इस बार जो दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता जो है, इस बार कब से होगा उसकी जानकारी हम जो सुधा डेयरी के एमडी हैं रुपेश राजी, उनसे लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जो पिछले कोरोना काल चल रहा था 2 सालों से, उसमें बिल्कुल ये जो सुधा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता था वो बंद हो चुका था। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, सरकारी कार्यक्रम, जो कि बंद हो चुके थे, जिसमें नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 2023 में फिर से इसका आयोजन जो है वो हुआ था और ये 2024 है। इसमें कब से आयोजन होगा इसकी जानकारी हम रुपेश सर से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है आज बटन। थैंक यू सो मच। और आर्यभट्ट न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने सभी उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देते हैं और मकर संक्रांति के लिए मेरी बधाइयाँ। सर ये बताइए कि हर साल दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता होता है आपके यहाँ, तो इस साल दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता कब से होगा? देखिए, हर वर्ष की जैसा हम लोग ये हर वर्ष अमूमन हम लोग इसको 18 तारीख को ही करते हैं, 18 जनवरी को करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व जो है इस बार 15 तारीख को ही अपेक्षित है। और 18 तारीख को दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता हमने निर्धारित किया हुआ है। देखिए, इस ये बेसिकली क्या है कि इस कंपटीशन, ये कंपटीशन नहीं कहिए, एक पार्टिसिपेशन कहिए, इस पार्टिसिपेशन में हम अपने ग्राहकों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं। अलग अलग वर्ग होता है, पुरुष महिला का वर्ग होता है, वरिष्ठ नागरिक का वर्ग होता है। इस वर्ग में हम लोग जो अधिकतम दही खाते हैं, 4 मिनट का समय होता है, इसमें जो सबसे अधिक दही खाता है उनको हम सुधा का गिफ्ट हैम्पर प्राइस के रूप में देते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये ग्राहकों के साथ एक जुड़ाव है हमारा, जो हम उनसे मिलना जुलना और उनके अपने यहाँ बुला करके मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। बस ये सिंपल गेट टुगेदर है, कोई बहुत बड़ा प्रतियोगिता और कॉम्पिटिशन का नहीं है, बट ये पार्टिसिपेशन है, आपस में मिलने जुलने का एक कार्यक्रम है। तो सर देखा जाए कि जो प्रतियोगिता होता है इसमें अगर कोई भाग लेना चाहे तो वो कैसे लेगा? हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये है 6204-381026। इस पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ये सब लिख करके SMS करना होगा आपको। और SMS का ये जो तिथि है 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो कि रजिस्ट्रेशन का समय 5:00 PM तक होगा। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी जितना भी SMS के द्वारा एंट्री आएगा, हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो आएँ यहाँ पर और पार्टिसिपेट करें। अच्छा, कहाँ कहाँ से प्रतिभागी आते हैं सर? इसमें मुख्यतः बिहार के तो लोग काफ़ी रहते ही हैं, मिथिलांचल से काफ़ी लोग आते हैं, बट बिहार के बाहर के, मैंने पूर्व में देखा है कि बिहार के बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग आए थे, एक बार महाराष्ट्र से आए थे, एक बार कुछ लोग नेपाल से भी एक बार आए थे, हमने एक आध बार तो इसको कोई फॉरेन के भी एक आध लोग आए थे। तो ये अमूमन आप ये मत कहिए कि सिर्फ पटना ही, ये देशीय अंतर्देशीय भी हो चुका है। और अच्छा लगता है लोगों से जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम उनसे उनका एक फीडबैक भी लेते हैं कि भाई आप सुधा से जुड़े हैं, तो सुधा में आपका कोई सुझाव है तो बताइए, और उनके हम सुझाव का आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके जो भी आकांक्षा है उन पर हम खड़ा उतरें। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये जो दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता है इस साल 18 जनवरी को होगा, और हमारे डिस्प्ले पे जो चैनल पे जो नंबर चल रहा है सर ने बताया है, तो वो नंबर आप नोट कर लेंगे और उसी पे आप मैसेज के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आप इस पे इस नंबर पर मैसेज कर रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा सकते हैं। तो दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में दूर दूर से लोग आते हैं, यही सर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भी हो चुका है और बहुत विदेश से भी लोग यहाँ जो है दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में आ चुके हैं। और इस साल जो है आयोजन जिस जैसे हर साल होता है, इस साल भी उससे भी भव्य तरीके से इस साल आयोजन जो है वो होगा। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल आर्यभट्ट न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर लाइक करें, Twitter पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आर्यभट्ट न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन उत्तम के साथ, पंकज कुमार, फुलवारी शरीफ।